हेलो फ्रेंड्स, विंता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी पोहा, झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हमने एक कटोरी पोहा लिया है, आलू भुजिया, दो कटे हुए आलू, एक कटा हुआ टमाटर, एक शिमला मिर्च, दो प्याज कटी हुई, नींबू, मीठी नीम, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, मूंगफली। यहाँ पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें अपना कटा हुआ आलू डाल करके फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लें। क्योंकि हमें आलू को पोहा में गार्निश करना, इसलिए पूरा गोल्डन फ्राई कर लें। वीडियो पूरा देखना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमारे आलू गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आलू डालने से यकीन मानिए बच्चे पोहा पूरा खा लेते हैं। अगर कभी टिफ़िन में भी आप रखोगे आलू से आलू डाल दोगे तो बच्चे पोहा पूरा खा लें, खाली टिफ़िन कर देंगे। आलू हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लेंगे। यहाँ एक छोटी चम्मच सरसों, एक छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 10-12 पत्ते मीठी नीम के डाल देंगे और एक कटी हुई बारीक प्याज डाल देंगे। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम अपनी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालें। यहाँ पर हम शिमला मिर्च अपनी कटी हुई डाल देंगे और 1 बड़े चम्मच मूंगफली के दाना, इन्हें भी हम मिला देंगे। अब हम अपना कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें अपने। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसे मिला दें। इसे अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर हमने जो पोहा भिगो करके रखा था वो डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। अच्छे से इसको मसाला में मिक्स कर देंगे। हमारा पोहा बनकर तैयार है। अब हम इसे जो हमारे कटे रखे थे आलू वो मिला देंगे, फ्राई की हुई अपनी। और कटी हुई हरी धनिया पत्ती मिला देंगे। थोड़ा सा नींबू डाल करके मिला देंगे।
हमारा पोहा बनकर तैयार है। कम से कम 10 मिनट लगते हैं पोहा बनाने। आप भी बनाइए और खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। एक प्लेट में निकाल करके हम एक बाउल में रख लेंगे और उसे गार्निश कर देंगे। प्याज और टमाटर और धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ी सी आलू भुजिया। वीडियो देखने के लिए।